हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू केमिस्ट्री इन मिनट्स द क्वेश्चन नाउ अपेयरिंग ऑन योर स्क्रीन इज एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.23 द क्वेश्चन इज इन ए रिएक्शन ए प्लस बी टू गिवस ए बी टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर्स तो यहाँ पर हमें रिएक्शन मिक्सचर्स गिवन है और इसमें हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता लगाना है सो रिएक्शन इज ए प्लस बी टू गिव्स ए बी टू तो यहाँ पर हम इस रिएक्शन को देख करके बता सकते हैं कि वन मोल एटम्स ऑफ ए रिएक्ट विद वन मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ बी एंड गिव ए फर्स्ट पार्ट में हमें मिक्सचर दे रखा है थ्री हंड्रेड एटम्स ऑफ ए एंड टू हंड्रेड मॉलिक्यूल्स ऑफ बी तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वन मॉलिक्यूल वन एटम ऑफ ए रिएक्ट विद वन मॉलिक्यूल ऑफ बी और यहाँ पर 200 हंड्रेड मॉलिक्यूल्स के लिए 300 हंड्रेड आइटम्स हैं सो so, बी जो है वो पहले कंज्यूम हो जाएगा सो बी इज लिमिटिंग रिएजेंट सो इन फर्स्ट केस वी कैन राइट बी इज लिमिटिंग रिएजेंट नाउ द सेकेंड केस टू मोल ए एंड थ्री मोल बी तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि टू मोल ए आइटम्स हैं और थ्री मोल एटम्स ऑफ बी हैं थ्री मोल एटम्स ऑफ बी केस में वन पॉइंट फाइव मोल बी टू मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे सो अगेन बी टू इज बी इज लिमिटिंग रिएजेंट तो इन सेकेंड केस बी इज़ लिमिटिंग रिएजेंट now third case 100 atoms of a and 100 molecules of b so in this case one atom a react with one molecule b2 so 100 atoms of a and 100 molecules of b2 so this is a stoichiometric ratio so there is no limiting reagent so no limiting reagent Now fourth, 5 mole A and 2.5 mole B. Again, we will take at 5 mole atoms of A and 2.5 mole atoms of B. So, again B, two molecules will be 1.25 moles, so this will be limiting reagent. In fourth case also, B is limiting reagent. नाउ द फिफ्थ केस टू पॉइंट फाइव मोल ए एंड फाइव मोल बी तो टू पॉइंट फाइव मोल ए का मतलब हुआ फाइव टू पॉइंट फाइव मोल एटम्स ऑफ ए एंड फाइव मोल बी का मतलब हुआ फाइव मोल एटम्स ऑफ बी फाइव मोल एटम्स से टू पॉइंट फाइव मोल बी टू मॉलिक्यूल्स मिलेंगे हमको सो दिस विल बी स्टोकोमेट्रिक रेशियो एंड देर इज़ नो लिमिटिंग रियजेंट So this is the answer to the question.